Now, a cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of molding clay. A child reshapes it in the form of a spear. So, find the radius of the spear. Or मैं होता तो मैं इसको खत्म कर देता. ये देखो. Find ये. Find the surface area of spear कर देता मैं. सब कुछ तो आप समझ बच्चे को दे रहे हो. फिर बच्चा करेगा क्या नहीं? बारह जो भी. ये एक्चुअल में क्या है? रीकास्टिंग वाले सवाल. यहाँ रीशेपिंग आपका जो होगा, रीशेपिंग आपका नाम बिल्कुल आपका. तो देखिए आप इसका मतलब क्या, अ कोन. पहले जब आप सॉल्यूशन करेंगे देखिए, ए बी सी ये कोन है. सॉल्यूशन नंबर टू आपका दे, देखो फिगर आपका बने. A cone of height, इसकी height h is equal to आपका नाम देखो जैसे था, ये 24 सेंटीमीटर है and इसका radius of base r is equal to आपका देखो ना 6 सेंटीमीटर है. ये देखिए ये आपका क्ले मिट्टी से गीली मिट्टी आपका बना हुआ है. ये एक्चुअल में रीकास्टिंग वाला सवाल है. चाइल्ड रीशेप्ड, इसको रीशेप रीकास्टिंग जिसको कहते हैं, इट इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर. बच्चे इसको सबसे पहले आपको जब तक रेडियस नहीं आएगा तब तक आप इसका सरफेस एरिया निकाल ही नहीं सकते. रीशेप्ड इसका मतलब इसी मिट्टी को उसने क्या किया, फिर आपका गूंथा होगा, डो बनाई होगी और इसको आपका स्पीयर बना दिया. This was your cone, और ये आपका स्पीयर. ये एक्चुअल में रीकास्टिंग वाले सवाल, रीकास्टिंग रीमोल्डिंग भी आप इसको कह सकते हैं. जो मर्जी आप कहिए सर. पहले पिघला करके मेल्ट करके करते थे, अब उसने मेल्टिंग वाला उसने इसे हटा दिया. मिट्टी कहाँ है इसे मेल्टिंग का सवाल ही पता नहीं होता. अब इसका इसका मतलब जितनी मिट्टी से ये बना था उसके बाद रीशेप में उतनी मिट्टी का ही यूज किया गया है उस बच्चे के द्वारा, है ना. इसका मतलब ये आपका ये पूरा फिगर आपका देखो आपके सामने है. फिगर आपकी पहले बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए आपका देखो ना. उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ. एवोल्यूशन जिसको आप कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द कोन ऐसे कर दो. वॉल्यूम ऑफ आपका नाम जिसका स्पीयर, क्योंकि उसी मिट्टी से आपका बना है. वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर है. इसको आप दूसरा आर मान ले तो जरा ज्यादा आर आर दोनों को मत लीजिएगा. 4/3 पाई आर 1 क्यूब ऐसे कर दिया. या आप कैपिटल आर ले लो आपकी तो उससे आपको दिक्कत भी नहीं. अब जो भी आप करें मतलब दैट बी दैट मस्ट बी आपका स्पेसिफाइड इन द फिगर, ये याद रखिएगा. तो आपका 3 से 3 भी खलास, पाई से पाई भी खलास. ये आपका कब होगा, by cross में either it will go up या ये जाएगा, pi नीचे आएगा. अब आपके पास r square h is equal to r cube बन जाएगा. r का मतलब 6 का square into आपका देखो 24 is equal to आपका this is 4 into this is the r. आपका 6 का square into 24 over आपका देखो ना 4 is equal to r. ये आपका by cross multiplication में this 4 will come down to 4 6 है. देखो R क्यूब इज इक्वल टू 6 का भी क्यूब, क्योंकि 6 की पावर 2 है. यहाँ पे जो फॉर्मूला एक्चुअल में लगता है x की पावर m into x की पावर n is n is equal to x की पावर m plus n एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ. तो आप करते हैं इफ पावर्स आर सेम ऑन बोथ साइड्स कैंसिल देम एंड कलेक्ट द बेसिस. इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखेगा. या जब आप देखो आर क्यूब इज इक्वल टू आपका नाम देखो ये 6 का क्यूब है, तो जब आप क्यूब हटाएंगे आपका देखो एक क्यूब रूट ऑफ आपका नाम देखो ये 6 का क्यूब आ जाएगा. ये देखो एक्चुअल में देखो ऐसे, तो देखो आर इज इक्वल टू 6 का क्यूब और एन तो रूट वन की वन ये 1/3 में आपका कन्वर्ट होता है. जो एक्स की पावर एम की पावर एन पावर है से पावर दे आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर एक्सपोनेंट का आपका देखो थर्ड ऑफ आपका देखो. तो ये आपका पावर से पावर कैंसिल, तो r = 6 या इतना लिखना पड़ेगा पावर से इधर. तो
आर इज इक्वल टू 6। तो ये जो है आपका रेडियस ऑफ स्पीयर, ये इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जो आपने फाइंड आउट किया था आपका, ये इज इक्वल टू आपका 6 सेंटीमीटर। या देखिए उसकी भी 6 सेंटीमीटर ही थी आपका। तो ये कोई जरूरी है कि दोनों का 6 हो, तो कोइंसिडेंस है। अब आपके पास, अब आपने वॉल्यूम ऑफ सेकंड पार्ट में सरफेस एरिया, अच्छा सरफेस निकाल दो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्या सुना, 4 × 22/7 आपका अगर कटेगा ठीक है, कैंसिल होगा नहीं तो 3.14 है। आर का मतलब है 6 स्क्वायर, एनी हाउ कट नहीं रहा, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू 3.14 अगर इनटू 36 144 और इनटू 3.14 42.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट जरूर लिखिएगा, यूनिट। इज इट क्लियर सर? प्लीज।